वेलकम टू कॉमर्स एंड करंट अफेयर्स नोट्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बेस्ड, वो पार्ट वन में हमने कवर करी थी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट टू के अंदर आएगा। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स, फंक्शंस और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, वो कॉमर्स स्टूडेंट्स जैसे कि जो बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए एमकॉम में है, उनके लिए तो रेलेवेंट रहेगा ही, बट एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक बैंक्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है जिसमें फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट होती है, उसमें फाइनेंस का सारा पोर्शन कवर किया जाता है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो ये कंसेप्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, वन ऑफ द पार्ट है, तो ये भी बहुत रेलेवेंट रहेगा, बहुत यूज़फुल रहेगा जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जहाँ पर भी फाइनेंस कवर अप होना है। वट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी? सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को समझने के लिए हम समझेंगे कि फाइनेंशियल, ओनली द टर्म फाइनेंशियल का मीनिंग क्या होगा। ये जो फाइनेंशियल टर्म है ये फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंस स्टैंड्स फॉर इन एनी फॉर्म ऑफ फंड्स आर अवेलेबल टू यू। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो कैश इन हैंड अगर हमारे पास है अवेलेबल, सैलरी की फॉर्म में हमारे पास जो पैसा है, या अगर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा आप लोग की पॉकेट मनी विच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। सो आप अपने पेरेंट्स से जो फाइनेंस की फॉर्म में ले रहे हैं, यानी पॉकेट मनी की फॉर्म में फाइनेंस आपके पास आ रहा है। आप लोग भी जब आपके पास पॉकेट मनी आती होगी आप एनालिसिस तो एक बार ज़रूर करते होंगे कि उस पॉकेट मनी को हमने किस किस फॉर्म में और कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, वेदर वी हैव टू सेव फ्रॉम दैट और वेदर वी हैव टू कंज्यूम इट। सो ये जो लॉजिक है कंज्यूम का एंड सेविंग का, ये जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। इंटरमीडियरी क्या होता है, टर्म में ही है मिड, तो है इंटरमीडियरी मीन्स एक ऐसा पर्सन या कोई भी एक ऐसी फर्म जो कि मीडिएटर की तरह काम करता है। एग्जांपल के लिए ब्रोकर भी हो सकता है, कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है जो लिंक क्रिएट करता है फ्रॉम वन पार्टी विद अदर पार्टी। लिंक किस चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है वो भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। लिंक इसलिए कि जो भी आप अग्रीमेंट कर रहे हो बिटवीन टू पार्टीज़ उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो किसके सामने हुआ है, तो किसके थ्रू हुआ है। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई हर्डल्स आता है, तो हम मूव ऑन कर सकते हैं विद दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो किसके सामने हुआ है, उस ब्रोकर के सामने या उस थर्ड पर्सन के सामने, जिसको हम इंटरमीडियरी बोलते हैं। सो बिजनेस डील करनी है, कोई भी नेगोशिएशंस करने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, ये मेन पर्पस होता है ब्रोकर्स को हायर करने का, कंसल्टेंट्स की हेल्प लेने का या यू कैन से एजेंट्स की हेल्प लेने का। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर। बैंक जिनसे पैसा लेता है उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है ऑन देयर सेविंग्स और ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, एंड बैंक जिनको प्रोवाइड कर रहा है फंड्स लोन्स की फॉर्म में उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करता है। सो ये वन ऑफ द एग्जांपल है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का। सो इन कॉम्बिनेशन अगर हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी टर्म को समझें तो इसका मीनिंग क्या होगा, जिसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या है, एक एंटिटी है यानी जिसकी एक अलग ही पहचान होती है जो किसकी तरह एक्ट करती हैं, एक्ट एज द मिडिल मैन। जब से अभी हमने मिडिल मैन का एग्जांपल लिया, ब्रोकर्स, एजेंट, कंसल्टेंट और बैंकिंग सेक्टर, बिटवीन यानी किस किस के टू पार्टीज, टू पार्टीज़ के बीच में क्यों, फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो भी हमने बताया कि उसमें पर्पस क्या हो सकते हैं, नेगोशिएशंस करने हैं, डीलिंग करनी है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस आ सकते हैं, कोई कंडीशंस आ सकती हैं, तो उन सब चीज़ों को फर्दर फॉलो अप करने के लिए हमारे पास किसकी नीड होनी चाहिए या किसका रोल होना चाहिए, मिडिल मैन का। सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। देंगे वेरियस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का वो है बैंक्स, दैट इज़ बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में जो मेन सोर्स है, बहुत पॉपुलर सोर्स है, वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसको कमर्शियल एज वेल एज कोऑपरेटिव फॉर्म में डिवाइड किया गया है।
बैंकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मल्टीपल स्पेशलिटी की तरह काम करते हैं, लाइक सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग फैसिलिटीज़ एंड अदर सब कैटेगरीज़ की तरह ये वर्क करते हैं। सो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर सेविंग्स का, सो एक पर्सन है, उसने कोई भी अमाउंट है बैंक में सेव करी है, एंड सेकेंड पर्सन को वही अमाउंट यानी कि वो लेंडिंग की फॉर्म में लेता है, तो वो डायरेक्टली नहीं विजिट करेगा, वो क्या करेगा, विद दी हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी। वो इंटरमीडियरी यहाँ पर क्या है, बैंकिंग सेक्टर, जिसकी हेल्प वो लेगा और बैंक जो है वो उनको फर्दर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये तो हमने डिस्कस करा है सिर्फ लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से या सेवर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस कर सकते हैं। लाइक अगर हम लार्ज कंपनीज़ का एग्जांपल लें, तो आजकल जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो बैंक को एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह यूज़ करती हैं, यानी लार्ज कंपनीज़ भी फाइंड आउट करती हैं वेरियस इन्वेस्टर्स जो कि इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। सो यहाँ पर कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में जो इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर। हेयर इज इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस वर्ड इटसेल्फ सेज दैट गिव्स एन इंश्योरेंस। सो यहाँ पे इंश्योरेंस किस चीज़ की दी जा रही है, जो भी आपका रिस्क होगा उसको मिनिमाइज़ करने की, उसको रिड्यूस करने की। वन थिंग जो हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो रिस्क होता है वो कभी भी हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, रिस्क का पोर्शन हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू हैव अ 100% रिस्क इन केस, इफ़ यू हैव अ 90% रिस्क इन केस, तो हम उसको माइटिगेट कर सकते हैं इन एनी प्रोपोर्शनेट रेशो। सो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो मेजर कैटेगरीज आती हैं वो आती हैं LIC एंड GIC की फॉर्म में, जिसमें फर्दर वेरियस कंपनीज इस वक्त रोल प्ले कर रही हैं। ऑटो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, लगेज इंश्योरेंस है, एंड सो ऑन। बट मेन रोल क्या है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, ये एक मीडिएटर की तरह कैसे काम करती हैं। देखिए जो भी कस्टमर्स हैं, या यू कैन से दो पार्टीज यहाँ पर इंश्योर्ड हैं, तो जो भी पर्सन इंश्योरेंस परचेज करना चाहता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने रिस्क को कवर करना चाहता है, तो उस कवरेज को लेने के लिए उन्हें क्या देना पड़ता है, प्रीमियम पे आउट करना पड़ता है। प्रीमियम किसके पास जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास जाएगा। वो किस फॉर्म में जाता है, एक लार्ज पुल ऑफ मनी की फॉर्म में, यानी जो भी फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक लार्ज पुल क्रिएट करते हैं। कंपनीज़ क्या करती हैं, इंश्योरेंस कंपनी उनको इन्वेस्ट कर देती हैं, और जब भी इंश्योर्ड को नीड होती है या एज पर दी अकरेंस ऑफ द इवेंट और रिस्क फैक्टर, उस केस में उनको वो सम एश्योर्ड पे ऑफ कर दिया जाता है। सो अगर हम यहाँ पे मेन इंश्योरेंस कंपनीज़ का एग्जांपल लें, तो बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि बताया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, और यू कैन से न्यू इंडिया एश्योरेंस ऑल्सो, जो कि एक बहुत बड़े मेजर प्लेयर्स की तरह काम कर रहे हैं इंडिया में। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ओवर हेयर इज़, या नेक्स्ट टाइप यू कैन से ओवर हेयर इज़ म्यूचुअल फंड्स। सो हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स का मेन रोल क्या होता है। जो म्यूचुअल फंड्स है ये पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज का, बट शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ह्यूज डिफरेंस है, वो हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या, बट अभी हम ये डिस्कस करें कि म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडिएटरी की तरह कैसे रोल प्ले करता है। म्यूचुअल फ़ंड में भी होता क्या है कि आपके पास जो भी आपका पैसा है, जो भी आपकी मनी है, आप उसको सेव कर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की फॉर्म में फाइनेंशियल मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो पैसा है वो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर फंड मैनेजर का रोल होता है, यानी जो फंड मैनेजर है वो चेक करता है कि आपका जो भी एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे वो इस पैसे को जहाँ पर भी नीड होगी वहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे। लाइक म्यूचुअल फंड में जो हम पूल ऑफ मनी का भी एग्जांपल लिया था अर्लियर पॉइंट में, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो पूल मनी की जाती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में की जाती है। A म्यूचुअल फंड इज़ बोथ एन इन्वेस्टमेंट एंड एन एक्चुअल कंपनी, रीज़न बींग दैट जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज करता है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टर है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी ऑनरशिप है एंड एसेट्स, उनका पार्ट को भी बाय कर रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमें इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो किस किस फॉर्म में हमें अर्निंग्स हो सकती हैं।
तो अर्निंग्स आपको कैपिटल गेन की फॉर्म में हो सकती है, यानी आपने जो भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करा है विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फ़ंड, अगर उनका प्राइस इंक्रीज होता है और आप उसको सोल्ड आउट करते हो तो आपको कैपिटल गेन होगा। और आपने अगर किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स लगाए हैं, यानी फंड्स मैनेजर की हेल्प से अपने पैसा इन्वेस्ट किया है ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, तो उस केस में आपकी जो अर्निंग्स हैं वो डिविडेंड की फॉर्म में आ सकती हैं। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। अब हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं इस वक्त जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं या मेजर प्लेयर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो वो है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, L&T मिड कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड। जी कुछ एक फंड्स के हमने यहाँ पे नेम डिस्कस करे। वी आर डिस्कसिंग हेयर इज स्टॉक एक्सचेंजेस। सो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट कौन करता है, वो है SEBI, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंजेस का भी जो रोल है वो यही है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पर्टिकुलर एक प्लेस मिले कि कहाँ पर जाकर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो एक्चुअल मनी को, यानी कि आपके पास जो भी मनी इन कैश इन हैंड है या लिक्विडिटी की फॉर्म में है, उसको वो स्टॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म फॉर्म में, शॉर्ट टर्म फॉर्म में या मीडियम टर्म फॉर्म में, सो आप स्टॉक एक्सचेंजेस में जाओगे। स्टॉक एक्सचेंजेस में मार्केट्स होती हैं, वो मार्केट्स किस फॉर्म में होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट, जिसमें वेरी फर्स्ट टाइम IPOs की फॉर्म में शेयर मार्केट में आया है। एंड सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट हो गई, जिसमें जो शेयर पहले मार्केट में आ चुका है उसी शेयर को आगे कंपनीज बेच देती हैं और इन्वेस्टर्स उसको ख़रीद लेते हैं। सो इस पूरे होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग ऑफ स्टॉक्स या स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके अंदर बेसिक रोल क्या होता है कि जो भी एंटायर इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स की, वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में सेव हो जाए और वहाँ से उनको अर्निंग्स मिल जाए। लेकिन अगर हमने बोला कि शेयर्स की फॉर्म में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर्स के ऊपर उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड। अगर वो डिबेंचर्स की फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या अर्न करने का मौका मिलेगा, इंटरेस्ट। सो यहाँ पर आपको पता होगा विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स में शेयर के प्राइसेस जो हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उसकी जो रेगुलेशन हो रही है या जो अप एंड डाउन हो रहा है वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ एक मेजर्स होते हैं या फिर कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि जो मार्केट है वो अप एंड डाउन किन किन सोर्सेज की वजह से हो रही है। ऑल दो वो हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हम फंड मैनेजर की हेल्प से इन्वेस्ट करें तो फंड मैनेजर क्या करता है, आपसे ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। तो ब्रोकरेज चार्जेस प्लस योर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फॉर्म में एज वेल एज शॉर्ट टर्म फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अगर हम बात करें कि इनका काम ये नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऐसे इंटरमीडियरीज नहीं होते जो कि आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। एडवाइज़र वर्ड लगा, दैट मीन्स क्या, ये आपको एडवाइसेस देते हैं। तो एडवाइसेस किस फॉर्म में, कि आपका जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव है अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, वो आप कैसे अचीव करें। सो फ्यूचर के रिगार्डिंग आपने जो भी गोल सेट किया है तो उसके बेसिस पे आपने अपनी मनी देख ली कि मेरी इतनी सेविंग्स है, तो जो आपकी सेविंग्स है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपस में कैसे सेटअप किया जाए या मैच किया जाए, उसके लिए मेन रोल किसका होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का। ये मार्केट के ऊपर टोटली वॉच रखते हैं कि करेंटली मार्केट में क्या चल रहा है, वेदर इट इज़ शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी की सारी मार्केट के ऊपर वॉच रखते हैं और आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही आपको गाइडेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं कि कहाँ पर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये मेन रोल होता है फाइनेंशियल एडवाइजर्स का। के चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट है पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स में टर्म है पेंशन, जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही हमने सुना है यूजली कि प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसको मिलती है पेंशन। सो ये जो पेंशन है इन फॉर्म ऑफ पेंशन फंड क्रिएट कर दिए, जो कि अब कंपनीज ने, ये फुल टाइम वर्कर्स या फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है।
ये भी एक बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर टूल हो गया है इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स, जिसके में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मेन रोल होता है, जो कि टाइम टू टाइम वॉच रखती हैं कि पेंशन फंड्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है और अकॉर्डिंगली जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ उनको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए। सो अगर हम बात करें पेंशन फंड्स की, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके रिटायरमेंट टाइम पे आपके लिए एक पैसा इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आने के लिए। तो आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपके पास कोई भी रिस्क फैक्टर आना है, कोई भी रिस्क हो रहा है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। आप कोई भी फ्यूचर में आपके कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको अचीव करने के लिए भी पेंशन फंड को यूज़ कर सकते हैं। अब पेंशन फंड को क्रिएट करने के लिए भी दो वे हैं, वो टू वेज क्या हैं कि या तो कंपनी जो है सेल्फ, कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन होएगा एम्प्लॉयर यानी कंपनी की तरफ से, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कितना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, या फिर इटसेल्फ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी सैलरी का कितना पोर्शन या कितना पार्ट जो है वो हमारे पास अभी पेंशन फंड की फॉर्म में रखना चाहते हैं और आपको रिटायरमेंट के टाइम पे वो वापस कर दिया जाएगा। सो ये दोनों में से जो ऑप्शंस हैं, जो भी सूटेबल ऑप्शन होता है उसको हर एक एम्प्लॉय जो है वो चूज़ कर लेता है। तो पेंशन फंड में बेसिकली होता यही है कि एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, प्लस उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट फैक्टर अक्कर होता है या कोई भी रियलाइज्ड गेन्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं उस पेंशन फंड को वो क्या करना चाहते हैं, उसको फोरगो करके वो उसकी जगह पर कोई भी एसेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर एसेट में इन्वेस्टमेंट फर्दर करना चाहते हैं, तो उसमें भी कंपनी जो है फंड मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग टाइप्स को डिस्कस किया। अब जितने भी हमने टाइम्स डिस्कस करे हैं वो जिस जिस फॉर्म में वर्क करते हैं, वो जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को ही फंक्शंस बोलते हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में वो जो फंक्शंस हैं वो वहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के फंक्शंस क्या हैं। सो फर्स्ट फंक्शन यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज़ टू कन्वर्ट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। लाइक अगर आपको याद आ रहा हो तो बैंकिंग सेक्टर का हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सोर्स है जो क्या करते हैं, पब्लिक से सेविंग्स की फॉर्म में मनी लेकर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी इन्वेस्ट किस फॉर्म में, लार्ज कंपनीज़ वाला अगर आपको एग्जांपल याद हो अभी करवाया है, तो लार्ज कंपनीज़ क्या करती है, वो सर्च आउट करती है इन्वेस्टर्स के लिए और बैंकिंग सेक्टर सर्च आउट करता है सेवर्स के लिए। सो सेवर्स क्या करेंगे, बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा रखते हैं, लार्ज कंपनीज़ वहाँ से लेकर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंट्री की जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, टू हेल्प इन अचीविंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर सकते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज एक कॉरपोरेट सेक्टर या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आपको याद होगा जस्ट अभी डिस्कस करके ही हटे हम पॉइंट, वो है इंश्योरेंस कंपनीज़ का एग्जांपल। लाइक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको आपके रिस्क को तो मिनिमाइज़ करती है, बट एज वेल एज वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट का टूल भी क्रिएट करती हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें जिसमें बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ है या पोर्टफोलियो आपका क्रिएट किया जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उसको अचीव कर सकते हो बाय प्रॉपरली मैनेजिंग योर फंड्स और विद द हेल्प ऑफ फंड एडवाइजर्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, और यू कैन से फाइनेंशियल एडवाइजर्स। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज़। क्वेश्चन अराइजेज, स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑफ व्हाट, ऑफ योर सिक्योरिटीज़। यस, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ इन फॉर्म ऑफ फिज़िकल सिक्योरिटीज़ और इन फॉर्म ऑफ लिक्विड सिक्योरिटीज़ यू हैव। तो अगर आपके पास कोई लिक्विड सिक्योरिटीज़ लाइक कैश इन हैंड है, आपके पास कोई एसेट्स हैं, आपके पास कोई पेपर्स हैं, फिज़िकल फॉर्म में भी कोई सिक्योरिटीज़ है, तो वो भी आप यूज़ कर वो भी आप अपने सिक्योर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का सोर्सेज हमारे पास अगेन क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, जहाँ पे हम लॉकर्स का एग्जांपल ले सकते हैं,
प्लस म्यूचुअल फंड्स के अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें तो वहाँ पर लॉक इन टाइम पीरियड भी होता है, यानी कि आप ऐसे फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको हम क्लोज एंडेड फंड्स भी बोलते हैं। यानी उसमें क्या है, आपने जो भी पैसा लगाया है वो आपका लॉक हो गया है फॉर सम टाइम पीरियड, लाइक 3 ईयर्स के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक हो गया है, आप उसको निकाल नहीं सकते हो, तो वो स्टोरेज भी हो गया एज वेल एज़ आपको उस पर्टिकुलर 3 ईयर्स में आपका जो भी मनी है उसकी इन्वेस्टमेंट को वो रेस कर देगा। यानी कि आपके पास पैसा किस किस फॉर्म में आएगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट एंड सो ऑन, आपकी अर्निंग्स जो हैं वो उसका क्रिएशन करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट, लोन फैसिलिटी। बट ऑब्वियसली लोन फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाई होम, प्रोवाइडेड बाई द बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, लोन फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ मिड टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। हायर द लोन हायर द इंटरेस्ट रेट और हायर द रिस्क फैक्टर, ये जो सिनेरियो है वही बैंकिंग सेक्टर्स भी फॉलो अप करते हैं। हैरिस हेल्प्स इन्वेस्टर टू बूस्ट देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। आपकी जो भी अर्निंग्स हैं, आपने अपना एक्सपेंस निकाल लिया, उसके बाद भी आपके पास सेविंग्स अगर बच रही हैं तो आप उस सेविंग्स का क्या करोगे, आप उस सेविंग्स के लिए सोर्सेज सर्च करोगे कि मैं कौन कौन से सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे को कुछ टाइम पीरियड के लिए करनी है या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करनी है। अगेन एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रिस्क रिटर्न तो हमें ध्यान में रखना ही है, वो तो एक प्योर फैक्टर है, बट रिस्क रिटर्न के साथ साथ आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आपका गोल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो में जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ऑल द इट इज़ द लास्ट टॉपिक बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे सिनेरियो, जो भी आजकल सिनेरियो चल रहा है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट टूल कैसे हैं या कैसे हेल्प करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का टूल की फॉर्म में वर्क करते हैं। सो अगर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे या पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस है कि कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बूस्ट हो सकती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पॉइंट में टर्म जो है एंटरप्रेन्योरियल, उन्हीं का ही मेन रोल है इसके अंदर। लाइक आपको जो भी अर्निंग्स करनी है उसके सोर्सेस कई सारे हैं, उसकी वेज कई सारे हैं। लाइक आप प्रोफेशनल फॉर्म में अर्न कर सकते हैं, आप सर्विस सेक्टर में जाकर अर्न कर सकते हैं, और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री एज वेल एज बिज़नेस सेक्टर की बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन के अंदर अगर कुछ अचीव करने का एक ज़ील है बेसिकली, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, उस एंटरप्रेन्योर को क्रिएट कर सकता है। अगर आपने एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करने का आइडिया जनरेट कर लिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक प्रोग्राम्स, कुछ एक स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसके बेसिस पे आपको लोन्स की फैसिलिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म फॉर्म में, लॉन्ग टर्म फॉर्म में आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप जो भी डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस में वो आप बिना किसी भी हर्डल के कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप न्यू आइडियाज़ को ज़्यादा जनरेट करेंगे या फिर न्यू इन्वेंशंस करेंगे तो उस केस में आपको और भी चांसेस होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिले या कुछ एक ऐसे सेक्टर में आपको बेसिकली असिस्टेंस मिले कि जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी बिजनेस है उसको और रन अप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ओवर हियर इज़ हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि हम यहाँ पे सॉर्ट ऑफ लोन की बात कर रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो कस्टमर्स को ही, या फिर हम बात कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन को जिनके पास ऑन द स्पॉट किसी भी वर्क को करने के लिए मनी नहीं है या कोई भी ऐसा वो काम करना चाहते हैं जिसके लिए वो फर्दर कुछ टाइम चाहते हैं कि जो भी उनको लोन मिल रहा है वो कुछ टाइम बाद वो रीपे करेंगे। तो इसमें ये क्या कह सकते हैं हम, एक टाइप ऑफ सेलर फाइनेंसिंग है। यानी इस केस में क्या है कि जो भी कस्टमर्स हैं हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, फर्म से गुड्स और सर्विसेज को वो बाय कर सकते हैं और अपना जो भी वो क्रेडिट है वो एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टेक्निक जो है वो आज के टाइम में बहुत सारे रिटेलर्स यूज़ करते हैं और उसका मेन रोल यही है
कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर जो है अपना परचेजिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रख सके उनके साथ ही, यानी रिटेलर एंड कस्टमर्स की जो डील है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए रिटेलर्स जो हैं वो हाउसिंग फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं टू देयर लॉयल कस्टमर्स एंड देयर रेगुलर कस्टमर्स ऑल्सो। बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं आप, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपके अंदर जो भी नॉलेज फैक्टर है, आप उसके बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ अपने खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आप सॉर्ट ऑफ क्या कर रहे हो, कुछ एक गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू आपको फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी और आप अपना जो भी बिजनेस है वो रन अप कर सकते हैं। यानी जो सेल्फ बेस्ड की हम बात करें, यहाँ पर ये प्रोफेशनलिज्म के लिए, प्रोफेशनलिस्ट के लिए प्योरली रखा जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट ओवर हेयर इज़ जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यहाँ पे टर्म है प्रायोरिटी, यानी किसको प्रेफरेंस दी जाएगी लेंडिंग में। तो वो प्रायोरिटी सेक्टर जो आते हैं वो ऐसे सेक्टर्स आते हैं जिनको हम वीक सेक्टर्स में बेसिकली काउंट करते हैं, कि ये जो सेक्टर्स हैं वो वीक हैं, बहुत जल्दी ग्रो अप नहीं हो रहे हैं। इसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आ सकते हैं, पुअर पीपल फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़ आ सकते हैं, स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशन आ सकता है, या वीकर सेक्शन हो गया है। इन सब लोगों को टाइमली बेसिस पर एंड एडिक्वेट फॉर्म में लोन प्रोवाइड करना या क्रेडिट प्रोवाइड करना, और इस पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग सेक्टर और अदर सिक्योरिटी और अदर सेक्टर्स। इसके ऊपर जो लोन होता है वो इन कंपेरिजन टू बैंकिंग सेक्टर और अदर सेक्टर बहुत ही मिनिमम होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बूस्ट हो सकता है कंट्री का। होप यू लाइक आवर कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक द सेम देन प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।